तो 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार ये युद्ध जारी है और पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट करने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिया बखमूत की बदहाली की पटखता भी लिख रहे हैं और यूक्रेन की कमर भी तोड़ रहे हैं। बखमूत के अलावा ओडेसा पर हुए हमले से शहर में पूरी तरह मातम छा गया है। यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर भी रूस के ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूबता हुआ नजर आया। ऐसा भी नहीं था कि बखमूत की बाजी की तैयारी ज़ेलेंस्की की सेना ने नहीं की थी। ये 7 दिसंबर का वीडियो है। बखमूत के पास यूक्रेन की आर्मी विंटर में वार का धार तेज कर रही है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है। पीने के लिए पानी का इंतजाम भी चाकू से बोतल को चीर कर करना पड़ रहा है। मौत की नींद सुला देने वाली सर्दी में यूक्रेन की फौज ने बखमूत का मोर्चा बड़ा तरीके से संभाला था। ज़ेलेंस्की की फौज कई दिनों तक लड़ती रही, लेकिन पुतिन की सेना इस बार खेरसोन वाली हार से सबक सीख गई दिखी और बलशाली दिख रहा बखमूत अब पुतिन की विजय पताका फहरा रही है। युद्ध में उजड़े आशियानों की गिनती करने वालों में पुतिन नहीं दिखते। पुतिन गरज चुके हैं कि उन्हें परमाणु बम गिराने की नौबत आए तो उनकी उंगली एटम बम के बटन तक पहुँचने में क्षणिक भी देर नहीं करेगी। आप समझ सकते हैं पुतिन किस कदर गुस्से में है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर है। क्रेमलिन से पहले भी किसी की नहीं सुनी और अब भी नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट कर रहे हैं, बखमूत की बदहाली की पटकथा भी लिख रहे हैं और यूक्रेन की कमर भी तोड़ रहे हैं। ओडेसा अंधेरे में समा गया है। यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूबा है। 15 लाख से ज्यादा लोगों को मोमबत्ती जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। कपकपाती ठंड में इस तरह की बिजली का गुल होना लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है। बिजली के गुल होने से पानी की किल्लत के अलावा खाने पीने की चीजों का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है। कई लोगों को दूसरे शहरों से भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। खास तौर पर घरों को गर्म करने के उपकरण किसी काम नहीं आ रहे हैं और लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर है। बिजली की किल्लत से लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ओडेसा की जिंदगी मुश्किल में। После нічного удару, удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1.5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є. Президент Зеленський का कहना है कि रूस ईरान में बने कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिसके चलते ओडेसा में लगभग 15 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पुतिन किस तरह से युद्ध में कमबैक कर रहे हैं, सिर्फ ये रूस के यूक्रेन पर हमले में तेजी से साबित नहीं होता, बल्कि उन इलाकों में तादाद भी मायने रखती है। डोनेस्क, खार्की, ओडेसा, सुमय और खेरसों पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं। ज़ेलेंस्की को शायद इस दावे से जल्दी ही पीछे हटना पड़े कि पुतिन के जीते यूक्रेन के 50% इलाकों पर यूक्रेन ने दोबारा विजय हासिल कर ली। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने ऐलान किया था कि उन्होंने खेरसोन शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है, लेकिन युद्ध के मैदान में अब हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए और हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय से रूस ने खेरसोन में हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। इधर ज़ेलेंस्की अब खेरसोन में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन पर उन्हें रूसी सेना के साथ मिलकर साजिश करने का शक है। खेरसोन में मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों को ढूंढने के लिए अधिकारी सभी लोगों की आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। लोकल लोगों से पूछताछ जारी है। कारों की तलाशी ली जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो अभी भी अपने पुराने आकाओं को जानकारी दे रहे हैं। खेरसोन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन ने 130 लोगों को गद्दारी के आरोप में पकड़ा है। ज़ेलेंस्की घर में गद्दार ढूंढ रहे हैं और पुतिन ज़ेलेंस्की के घर में अपनी तारीफ करने वाले ढूंढ रहे हैं। जो मान गए तो अच्छा है,
वरना तोप के गोले की शिकार हो जाओगी। करीब 300 दिनों तक पहुंचती ये जंग दुनिया के लिए नासूर बन गई है। इस युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद किया है तो रूस को भी तबाह करने में कमी नहीं की है। दुनिया परेशान है और यूक्रेन के लिए इस बीच दो देशों के नेताओं की लड़ाई का शिकार बनने के लिए मजबूर है। अवाम तो अवाम है, सुल्तान के कहे में रहे तब तक ठीक।